दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं मिर्जापुर वेब सीरीज में गुड्डू भैया का रोल करने वाले बॉलीवुड स्टार अली फजल की। आज हम अली फजल की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। अगर आप अली फजल के फैन हो गए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अली फजल एक भारतीय फिल्म अभिनेता है। अली ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म थ्री इडियट से की थी। अली फजल को सबसे ज्यादा उनकी फिल्म खामोशियां के लिए जाना जाता है। फिल्मों के अलावा अली वेब सीरीज मिर्जापुर में नजर आए हैं। मिर्जापुर में उनके किरदार को दर्शकों ने बेहद सराहा है। अली फजल का जन्म 15 अक्टूबर 1986 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। अली फजल की लंबाई 5 फीट और 11 इंच है। इसके अलावा उनका वजन लगभग 72 किलो है। अली फजल का पसंदीदा फूड चिकन बिरयानी है। पसंदीदा एक्टर शाहरुख खान। पसंदीदा एक्ट्रेस काजोल। पसंदीदा स्पोर्ट्स बास्केटबॉल और पसंदीदा कलर ब्लू है। फजल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून स्कूल से संपूर्ण की है। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से की है। वह इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं। फजल ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी। उन्होंने अपने करियर में शुरुआती दिनों में एड कमर्शियल में काम किया। वह उस दौरान स्टेज शो भी करते थे। वह एक स्टेज शो में परफॉर्म कर रहे थे तभी निर्देशक राजू हिरानी की नजर उन पर पड़ी। तभी उन्होंने उन्हें अपनी आगामी फिल्म थ्री इडियट्स के लिए साइन कर लिया। इस फिल्म में फजल ने इंजीनियरिंग स्टूडेंट जॉय की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में आमिर खान और करीना कपूर मुख्य भूमिका में थे। फिल्म थ्री इडियट्स में जॉय का किरदार निभाने के बाद वह अपनी अगली फिल्म ऑलवेज कभी कभी में बतौर लीड एक्टर नजर आए। इस फिल्म का निर्माण शाहरुख खान के प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया था। हालांकि उनकी यह पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद फजल फिल्म फुकरे में नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने एक म्यूजिशियन का किरदार निभाया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई भी कर ली थी। लेकिन इस फिल्म से फजल आलोचकों की नजरों में आए और उन्होंने फजल के अभिनय की तारीफ भी की। साल 2014 में फजल विद्या बालन स्टारर फिल्म बॉबी जासूस में नजर आए। उनकी पहली फिल्म की तरह यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। इतने बुरे बॉलीवुड करियर के बावजूद भी फजल को एक हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। साल 2014 में वह एक विक्रम भट्ट की फिल्म खामोशियां में नजर आई, जो कि एक हॉरर फिल्म थी। लेकिन यह फिल्म दर्शकों की भीड़ सिनेमा घरों में जुटाने में कामयाब ना हो सकी और फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में गुरमीत चौधरी, सपना पब्बी और अली फजल मुख्य भूमिका में थे। उसके पश्चात अली फजल अमेजन प्राइम की वेब सीरीज मिर्जापुर में नजर आए। मिर्जापुर ने पूरे देश में धमाल मचा दिया और इस वेब सीरीज को युवाओं ने खूब पसंद किया। मिर्जापुर वेब सीरीज में अली ने गुड्डू का किरदार निभाया, जो कि वकील के बेटे हैं। मिर्जापुर सीजन 1 के पश्चात अब सीजन 2 में भी नजर आए, जो कि जबरदस्त सुपरहिट हो गई है। अली फजल की कुल नेटवर्थ 23 करोड़ रुपए के करीब है। अली और ऋचा चड्ढा की जोड़ी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक है। इन दोनों ने इस साल अप्रैल के महीने में ही एक दूसरे से शादी के बंधन में बंधने का फैसला लिया था। मार्च के महीने में देश में कोरोना ने दस्तक दे दी। इसकी वजह से लॉकडाउन हो गया और इन दोनों की शादी की सभी योजनाएं धराशाही हो गई। कुछ दिन पहले मीडिया में खबर थी कि अब इन दोनों की शादी इस साल के अंत में होने वाली है। हालांकि इस जोड़े ने खुद सामने आकर अपनी शादी के बारे में उड़ रही अफवाहों पर विराम लगा दिया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।